दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 11 Pro स्मार्टफोन को OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना Realme फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन जरा OnePlus को देखना भाई, सिर्फ IPS LCD पैनल दिया है जो कि एवरेज है यार, और देखिए इन्होंने काम ही मुका दिया, ये हाल है बताओ OnePlus ब्रांड के। और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से भी स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें कर्व डिस्प्ले भी मिल रही है भाई। भाई Realme बढ़िया काम कर रहा है वैसे इस मामले में तो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं भी, अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो भाई नो डाउट यार जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS दिया गया ना भाई, बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन यहां जो Realme UI है ना, भारी भर भर के तो आपको ब्लोटवेयर से मिल जाएंगे। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme के अंदर हमें Dimensity 7050 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको थोड़ी सी और बढ़िया गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 7050 दिया गया है भाई, बढ़िया चिपसेट है, बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो Realme के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 100 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के जो मेन कैमरा है ना भाई, वो तो काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये जो दोनों के अंदर 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ कैमरा दिया ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पर अगर हमें दोनों फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता ना यार, तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने नहीं दिया, ये हाल है यहां पर कंपनियों के। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Realme के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहां पर तो दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है, क्योंकि Realme का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। कॉस्ट कटिंग के अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं किया फोन के साथ में। यानी कि दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर Realme की तरफ ही जरूर से जाइए। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 66 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। भाई ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें Realme फोन के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन OnePlus फोन के अंदर हमें दिया गया है। साथ ही दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। लेकिन बात करें अगर हम सिक्योरिटी की, तो Realme फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता
दूं कि Realme फोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 23,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए तब आप यहाँ पर OnePlus की तरफ जरूर से जा सकते हैं, अदरवाइज यार मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ना यहाँ पर Realme की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के हिसाब से कर्व डिस्प्ले में बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, तब आप लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन को जरूर से बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।